नहीं, सिर्फ एक हफ्ता। अरे उदास हो गई, जहां तुमने मेरे बिना इतने बरस गुजार दिए वहां एक हफ्ता और सही। तब बात और थी। मारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ना कोई रौनक मेला, ना बाजा गाजा, ना ढोल ढमका, ये चुपचाप की शादी कैसी? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? किसी से कहना भी नहीं, अमर से भी नहीं। कानपुर से वापस आकर रौनक मेला, ढोल ढमक्का, बाजा गाजा सब होगा, वो जश्न मनाया जाएगा कि सब याद रखेंगे। और सुनो, इन्हें कोई शिकायत ना होने पाए, मेरे बाद इनका हुक्म मानना पड़ेगा तुम्हें, समझे? मालिक यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था कि इनको आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और आपको इनका हुक्म मानना होगा। लटक गया ना मुंह? चले थे पराई छाछ में मूछ मुड़वाने, आ गई ना जायदाद का मालिक पैदा करने वाली। और मारे तो मुफ्त में हत्या करने पर तुला था बंधुराम। अरे ओ माई, क्यों वह में पड़ी है? किसी के पैदा होने से कोई मर नहीं जाता, मौत अपने वक्त पर आती है। कहीं मैं तेरी बातों में आ जाती तो ना इधर की रहती ना उधर की। अब ले ठंडी सांस बंगले को देख देख कर। अरे क्या भक्ति है, मुझे कमीना समझ रखा है तुम दोनों माँ बेटी ने। वो तो मालिक की बात पर मुझे ख्याल आता है कि घर की चीज अगर घर में रहे तो अच्छा है, कोई बाहर वाला क्यों ले जाए? नहीं तो क्या मैं दौलत का लालची हूँ? अरे संतान खुद एक दौलत है, ऐसी दौलत जिस पर कोई टैक्स भी नहीं। अरे दांत क्या निकाल रही है, झूठ तो नहीं कह रहा? बच्चा तो नक्शा बदल के रख देता है घर का, अब दूर क्यों जाती है? अमर बाबू को देख ले, जब से घर में लड़का हुआ है तनख्वाह 1000 से 1500 हो गई है। मेरी मम्मी दूध लाती और चौचा, अभी दूध आता बाबा। लाड साहब 2 महीने पहले तशरीफ ले आते तो 1000 रुपए ज्यादा आते घर में। आपकी तो ये बात हुई कि भगवान ने बनिए से पूछा तुम्हें नरक में भेजो के स्वर्ग में? उसने कहा जहाँ 4 पैसे की बचत हो भेज दो। अच्छा जी, तो ये बात है, आपने हमें बनिया बना दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, पिताजी का खत आया, जब से उनको ट्रांसफर हुआ है एक बार भी नहीं मिल सकी, मम्मी को देखना चाहते हैं, कहिए तो 2-4 दिन के लिए हो। 2-4 दिन तो दूर रहे, मैं तो मुन्ने और मुन्ने की माँ को 2-4 पल के लिए नहीं छोड़ सकता। क्यों? आपकी मुन्ने को संभाल के रखूंगी। यहाँ मुन्ने के बाप को कौन संभालेगा? देखो लता, तुम्हें तो मैं भेज नहीं सकता, तुम पिताजी को लिख दो कि वो यहाँ आके मुन्ने को देख जाए। पिताजी को ऐसे लिखते मुझे शर्म आती है। तो फिर मैं लिख देता हूँ, मैं बन जाता हूँ बेशरम थोड़ी देर के लिए। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे आवाज दी होती। क्यों, मैं घर के किसी काम को हाथ लगा दूं तो कुछ हर्ज है क्या? जी हाँ। क्या? अगर आप घर का काम शुरू कर देंगी तो हमें तो छुट्टी हो जाएगी। पोस्टमैन। हाँ भाई पोस्टमैन। ये लो रजिस्ट्री, साहब से साइन करा लो। मगर साहब तो कई दिनों से कानपुर गए हुए हैं, इसे 1-2 दिन के बाद ले आना। कई दिन से? अरे मैंने तुम्हें कल देखा है यहाँ। यहाँ? अरे भाई ऐनक के बगैर देखा होगा, उनको तो गए हुए 6 दिन हो गए हैं। कमाल है, मैं उन्हें पहचानता नहीं क्या? मैंने उन्हें कल देखा है, कल। कल कहाँ? अनंत भवन में, रोज शाम को आते जाते देखता हूँ, वही सामने तो मेरा घर है। मामला क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ। मगर ये कैसे हो सकता है? आनंद भवन कहाँ है? We'll be right back.
तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी वीरान थी, तुम इस वीरानी में आज तुम्हें अपने पहलू में पाकर ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे कि दोनों जहां हैं आज मेरे इख्तियार में। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूं? कहां तुम और कहां मैं? ऐसा ना कहो कामिनी, हमारे जिस्म तो सही, जान एक है। मगर मुझे डर लगता है। डर कैसा? कहीं तुम मुझसे अपना दामन तो नहीं छुड़ा लोगे? ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान न करो। तुम वो पहली लड़की हो कामिनी जिसे मेरे दिल ने चाहा है, निगाहों ने पूजा है। मैं तुम्हारी आंखों में कितने ही सवाल देख रहा हूं और ये उलझन भी कि कौन सा सवाल पहले पूछूं। अब मेरे साथ तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। मुझे जवाब मिल चुका है, हर सवाल का जवाब मिल चुका है। देखा तुम्हें मेरी कसम, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे मुझसे नफरत करो या हमदर्दी। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहूंगा रेखा, कि मेरे दिल ने तुम्हारे सिवा किसी और को चाहा हो तो मुझे मरकर भी चैन ना मिले। फिर ये लड़की कौन है? ये हमारे ड्रामे की हीरोइन है, हम ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। तो इस रिहर्सल के लिए आप 6 दिन से यहाँ पड़े हैं, मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने? हाँ, मेरा इतना कसूर जरूर है, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूरी? आपने ये भी नहीं सोचा मैं क्या क्या अरमान लेकर आई थी? घर लाते ही मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तुम्हारा प्यार, दरअसल वो खत एक थिएटरिकल कंपनी की तरफ से मेरे नाम नोटिस था। मेरा उनसे एक ड्रामा लिखने और उसे डायरेक्ट करने का एग्रीमेंट हो चुका था, जिसे पूरा करना मेरा अखलाकी फर्ज था, लेकिन मैं तुम्हारी लगन में ड्रामे का एक लफ्ज भी ना लिख पाया। और फिर तुम्हारे करीब रहकर लिखना तो क्या, उसके सोचने का भी सवाल पैदा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने तुमसे ये बहाना किया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरी असल में कितना खोया हुआ था। और मेरा यकीन मानो रेखा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी नाटक होगा, और अगर भगवान ने चाहा तो इसके बाद हम कभी जुदा ना होंगे। अब तो मेरा कसूर माफ कर दिया। आपने इससे बड़ा एक कसूर और किया है जिसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। वो क्या? भला पति पत्नी में कैसा भेदभाव? अगर आप मुझे सच बता देते तो क्या मैं आपके फर्ज की राह में रुकावट बनती? जाइए, अब हंसी खुशी अपना काम कीजिए, मेरे दिल का बोझ उतर गया। मगर मेरे दिल का बोझ तो कल नाटक के बाद उतरेगा। महक लहरों की लचक बिजली की चुरा कर अंगड़ाई, जो शक्ल बनाई कुदरत ने औरत वो यहाँ बनकर आई। बेटी वो बनी, पत्नी वो बनी, माता वो बनी, साथी वो बनी। परमेश्वर खिड़की पे शमासी जलती रही, वो बाहर रा
सिसकती रही सिसकती रही। हाय क्यों रूठी हो जाने बहार बोलो ना, अब होगा नहीं इंतजार बोलो ना। हाय क्यों रूठी हो जाने बहार बोलो ना। पहलू में आ जा सांसों में घुल जा बाहों में सो जा जाम में ढल जा। सांसों में घुल जा हो बाहों में सो जा जाम में ढल जा। रात आएगी ना ये बार बार बोलो ना। हाय क्यों रूठी हो जाने बहार बोलो ना, और अब होगा नहीं इंतजार बोलो ना। और फिर मर्द की प्यास ने ये रंग नया दिखलाया, आशियां अपना जो था हाय पराया वो हुआ भंवरा। एक और नई तितली लिए घर आया। ये मेरी प्रेमिका है, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मेरा अपराध क्या है स्वामी? वही जो एक मुरझाई हुई गली का होता है। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से।
के जख्म का नहीं कोई इलाज, बाहरी ओ दुनिया बेशरम, बाहरे ओ बेहया समाज, कितनी कलियां तेरी राह में खिल के भी न मुस्कुरा सकी, कोई जाके कोठे पे चढ़ी, कोई हाय डूब कर लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? उन्होंने घर से निकाल दिया। क्यों? वो किसी दूसरे को घर ले आए। किसी दूसरे को घर ले आए? आए औरत है चीज क्या तू भी, खा के ठोकर भी प्यार करती है, जिसके हाथों तू लूटी जाती है उससे ही जान सार करती है, तू नहीं जानती है इतना भी, खुदकुशी खुद नरक की राह है, जुल्म करना ही बस गुनाह नहीं, जुल्म सहना भी तो गुनाह है, भूल कर अपना फर्ज जब मांझी, खुद ही कश्ती डुबा दे पानी में, तब किसी और नाव पर जाना है नहीं पाप जिंदगानी में, उठ कोई और हम सफर चुन ले, जोड़ रिश्ता नहीं कहानी से, है अंधेरे में जो तेरी बहने, मौत को उनकी जिंदगानी दे। What a progressive play. Thank you. I'll check it. Congratulations. Program bahut hi shandar raha. Thank you. Mubarak ho. It was a beautiful play. Thank you. Tumhe drama kaisa laga? Kya batau? Kyun? Sochti hu kahi mera jawab aapko naraaz na kar de. Kyun aise kya baat? Sach to ye hai ki mujhe ड्रामा अच्छा नहीं लगा। बुरा मान गया ना? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें ड्रामा में कौन सी बात पसंद नहीं आई? लड़की की दूसरी शादी। उसका यही परिवर्तन तो ड्रामे की जान था। अंधेरे में भटकती हुई उस अबला का उजाले की तरफ कदम बढ़ाना, इसी बात पर तो पब्लिक ने मुझे दाद दी थी। मैं पब्लिक नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मैं तो वही कहूंगी जो मेरा दिल कहता है। पति के होते हुए पराय पुरुष का हाथ थाम लिया,
छी छी छी। लेकिन वो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। धर्म और मर्यादा के सामने जिंदगी क्या चीज है? तो तुम्हारे ख्याल में क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था? छोड़िए अब इस बात को, आज की रात ये क्या किस्सा ले बैठे? और फिर आपने ड्रामा लिखा, लोगों ने पसंद किया, आपकी मेहनत सफल हुई, एक मेरी पसंद नापसंद से आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम मेरी परेशानी का सबब जानना चाहती हो? तो सुनो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी वो मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है और इसी शहर में रहता है। उसकी पत्नी है, बच्चा है, उसका घर, हंसी खुशी की वो दुनिया है जिसकी बुनियाद मेरे हाथों रखी गई। तुम्हारे जीवन, अपने प्रेम और अपने दोस्त के गृहस्थ की रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। लेकिन उस दिन रास्ते में तुम्हारे विचार जानने के बाद मैं ये नाटक करने पर मजबूर हो गया। नाटक? हाँ, वो बचपन की तस्वीर, वो कानपुर की चिट्ठी, वो थिएटरल कंपनी से मेरा एग्रीमेंट, सब झूठ था। ये ड्रामा तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि अगर मेरा ड्रामा तुम्हें पसंद आ जाए और तुम मेरे विचारों से सहमत हो जाओ तो ये राज मैं तुम पर खोल दूं और हम दोनों शादी कर लें। शादी? एक ब्याह की? ये तुमने क्या अनर्थ किया? मुझसे छल क्यों किया? मुझे धोखे से अपने घर में क्यों लाए? इसलिए कि तुम्हारे पति के घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, उसके दिल में तुम्हारी याद तक बाकी नहीं। मेरी बदनसीबी पर तुम्हें दया ही आई थी, तुम मेरा गला घोट देते, मुझे जहर ला के दे देते, यहाँ लाकर तुमने मेरे लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। मैं बदनसीब, मैं अपने गाँव वापस जा सकती हूँ, अपनी माँ को मुंह दिखा सकती हूँ। रेखा, एक पराए पुरुष के घर में उसे पति मानकर मैंने जितनी भी सांस लिए वो सब पाप के सांस थे। हे भगवान, मैं कहाँ गया? कहाँ भूल चुका हूँ? रेखा, 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 पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। नहीं नहीं, पहले इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देयर इज नथिंग टू वरी, इनके जिस्म पर कोई खास चोट नहीं आई। हाँ, ऐसे लगता है दिल पर कोई जज्बाती सदमा गुजरा है, बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। फिर भी अगर मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे फोन करवा देना। थैंक यू डॉक्टर। कितनी प्यारी लग रही है, जी चाहता है देखते ही जाऊं। मैं बैठती हूँ उसकी देखभाल के लिए। नहीं भाभी, तुम मुन्ने के पास जाओ, मैं बैठती हूँ। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? घबराइए नहीं, आप एक भले घर में हैं। ये मेरी भाभी और ये मेरे भैया हैं। आप मेरे भैया की गाड़ी से टकरा गई थी।
शुक्र है कि आप बच गए। मुझे मुझे क्यों बचाया आपने? मैं मरना चाहती थी, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा मत कहिए, धीरज रखिए, मुझे अपनी बहन समझिए और इस घर को अपनी बहन का घर। कौन है आप? आपका घर कहाँ है? मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती। क्या बात है? अभी घबराई हुई है, उससे कुछ मत पूछिए। सारा तबीयत संभल जाए तो अपने आप सब बता देगी। नहीं नहीं, शादी हुई लगती बेचारी की। लेकिन इतनी रात गए सुनसान सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? हो सकता है अपने पति से कुछ झगड़ा हो गया। मालिक, आप कहाँ थे? मालकिन कहाँ है? बंसी, पुलिस स्टेशन को इतला तो नहीं आई? पुलिस से? नहीं तो बात क्या है? कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? बंसी, इस वक्त तुम जाओ। तुम कब आए? अभी यार। कमाल है यार, कुछ पता ही नहीं चला। बड़े परेशान से हो, क्या बात है? अमर। भैया भैया, वो फिर बेहोश हो गई। कौन? यार कल रात से परेशान हूँ, एक लड़की कार से टकरा गई थी। भैया जल्दी चलो, वो फिर बेहोश हो गई। अच्छा। ये बेहोश कैसे हो गई? मैं इनका दिल बहलाने के लिए एल्बम दिखा रही थी, जैसे ही आपकी बचपन की तस्वीर देखी बेहोश हो गई। चले कहाँ? मुझे तो तुम्हारे साथ इस बिचारी के बारे में मशवरा करना है। मगर आपकी तस्वीर से इनका क्या संबंध? मैं क्या जानू, होश में है तो पूछो। तस्वीर देख के आप बेहोश क्यों हो गई थी? इन्हें गैर ने समझी, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं। बताइए ना, इस तस्वीर में ऐसी क्या बात है? इस तस्वीर से मेरा बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध? इनकी तस्वीर से? वो कैसे? ये ना ही पूछे तो अच्छा है, ये तो आपको बता नहीं होगा। आपको मेरी सौगत। एक शादी की याद आ गई थी। शादी? मेरे बचपन की तस्वीर देखकर? हाँ, मैं समझा नहीं। बताइए ना, किसकी शादी? जिनकी ये तस्वीर है। उसका घर है, पत्नी है, बच्चा है। तुम्हारे लिए उस घर में अब कोई जगह नहीं। इनकी शादी बचपन में मेरी एक सहेली के साथ हुई थी। मुझसे पहले भी आपकी पत्नी? नहीं नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मर गई, मर चुकी, मर चुकी। हाँ, बदनसीब इस दुनिया में आई भी, शादी भी हुई, मगर पति की सेवा का सौभाग्य न मिला। क्या वो आपकी सहेली थी? हाँ, मेरी आंखों के सामने उस गरीब की उमंगों ने दम तोड़ा था। सच कहता हूँ लता, मुझे कुछ भी याद नहीं। जानबूझकर ना मैं उसकी जिंदगी के साथ खेला हूँ, ना तुम्हारे विश्वास के साथ। और उस गरीब को भी आपसे कोई शिकायत नहीं थी, मरते दम तक। देखा था
अपने घर में राज कर रही होगी मौसी, तुम तो यही चिंता कर रही हो। चिंता कैसे ना करूं गुलाबी, कल रात से मेरी आंख फड़क रही है। भगवान करे मेरी बच्ची सुख से हो। अरे जब से गई है एक चिट्ठी भी तो नहीं आई। ओ मौसी, नई ब्याहता लड़कियों की चिट्ठी तो साल साल भर नहीं आती। तुम कुछ भी कहो, दो एक दिन और चिट्ठी नहीं आई तो मैं जाऊंगी उसके पास। लो बहन, इनमें से जो साड़ी पसंद हो पहन लो। नहीं नहीं, रहने दीजिए। क्यों? मैं पहले ही आप पर काफी बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते। बोझ कैसा? ये देखो, ये साड़ी तुम पे कितनी खिल रही है। लता बहन, अपने घर जाके कहीं लता बहन को भूल मत जाना। अपना घर कहीं ये ना समझ लेना कि लता आपको जाने का इशारा कर रही है। फिर भी पति पत्नी में 100 झगड़े हैं, अपना घर अपना ही होता है। तुम्हारी मांग का सिंदूर माथे की बिंदिया साफ बताती है कि तुम कितनी पतिवर्ता हो। फिर क्या कारण? ये मत पूछिए। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान के यहाँ जाने के सिवा मेरे लिए दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं। जी जी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है बहन, तुम जब तक चाहो इस घर को अपना घर समझ के यहाँ रह सकती हो। भगवान, भगवान आपको सुहाग बनाए रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ? रेखा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन गुस्से में जो कुछ मेरे मुंह से निकल गया उसके लिए माफी चाहती हूँ। रेखा, ये क्या? आपकी अमानत, एक झुमका कम है। मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? आज आपके ही कारण मैं अपने पति की शरण में हूं। तुम खुश हो ना? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप एक वचन देंगे? कहो। आप उनके गहरे दोस्त हैं। मैं कौन हूं ये उन्हें कभी न कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उनके सुखी परिवार में कोई तूफान उठ खड़ा हो। मेरी जबान हमेशा बंद पाओगी। मैं आपका राम, अगर आप आज्ञा दें तो एक छोटी सी विनती करूं। हरे राम हरे राम। माँ जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या मैं आपको माँ से नानी बना सकता हूँ? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे ओ, ये सब कुछ किसके लिए कर रही है? आज से तेरा लिपस्टिक पाउडर कंगी फंगी हार श्रृंगार सब कुछ बंद। क्यों जी? अरे क्यों जी, फ्यूरी क्या है? ये मेरा हुक्म है। माँ मुझे डांटते हैं। मैं सब सुनो। ए बंकी, तेरा बेटा तो नहीं उतर गया? मैं बोलो इधर बकबक काहे की करे? अरे इस कम उम्र में मेरी बेटी कंगी पट्टी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले ले? अरे घबराना माँ जी, भगवान ना करे अगर इस मूर्ख के सर पर कुछ दिन और आपका साया रहा तो इसे सन्यास और मुझे वनवास लेना पड़ेगा। बहुत सियापति रामचंद्र की जय। हे भगवान, तूने मुझे किस कलेश खाने में डाल दिया जहाँ मैं दो घड़ी तारा नाम चैन से भी ना ले सकूँ? माँ जी, बच्चा भगवान का रूप होता है। जो बच्चे को यमदूत समझे भगवान उसे कभी खुश नहीं होता। कहीं बोले रे बंसी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ ना बुढ़िया, अब सोने मरने दे।
अगर रामकली की जगह मैं होता तो राम कसम अब तक मुरारियों की लाइन लगा देता। नानी ये ऊपर वाला भी बड़ा मसगरा है, कभी कभी ऐसे सपने दिखाता है। मैं समझ गई। ले बंसी, एक तो ये राम नाम की माला जप, ले बेटी तू भी जप, मेरी तरह भगवान में ध्यान लगाए रखो, नहीं तो उल्टे पुल्टे ख्याल से ताने लगे। हाँ चलो बोलो राम 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 राम। वाह वाह, कितनी सुंदर कविताएं हैं, जब आप इन्हें छपवाएंगे तो कितना नाम होगा आपका? नहीं रेखा, मैंने छपवाऊंगा नहीं। क्यों? अपनी देवी को चढ़ाए जाने वाले फूल बाजार में बेचे नहीं जाते।